हेलो एवरीवन, मैं राजेश कुमार वर्मा, GWBC भरतपुर। आज हम पढ़ेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सोइल। देखो, शियर स्ट्रेंथ सोइल की क्या होती है? ये क्या कैपेसिटी होती है जो शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करती है? तो शियर स्ट्रेंथ क्या होगी? वो कैपेसिटी सोइल की, वो कैपेसिटी जो शियर स्ट्रेस को रजिस्ट कर सके, वो होता है शियर स्ट्रेंथ। देखिए, जैसे मान लो, जैसे कोई ये सोइल का सैंपल है। अब मान लो ये सोइल के सैंपल पर स्ट्रेस आ रहा है या कोई फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेस आ रहा है। अब ये इस तरह से मूव कर रहा है। यदि कोई सोइल है, मास है, वो अपने रिलेटिव पोर्शन, मतलब ये वाला इसका एक पार्ट ये है और एक पार्ट इसका ये है, इधर वाला जो पार्ट है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये जो पोर्शन है इधर वाला वो रेस्ट में है, यानी स्थिर है। तो हम कह सकते हैं कि यदि सोइल मास का कोई पार्ट भाग अपने दूसरे पार्ट से, दूसरे भाग से रिलेटिव मोशन करे, ये जो इधर का पोर्शन है ये किसी भी फोर्स के अंडर में आके यहाँ से मूव हो रहा है, यानी इससे टूट रहा है, अलग हो रहा है, तो ये जो स्ट्रेस इसमें, इस स्थिति में जनरेट होगा वो क्या होगा? शियर स्ट्रेस होगा। और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है सोइल मास में, स्ट्रक्चर फेलियर है, इस तरह के फेलियर या इस तरह के जो सोइल मास की प्रॉपर्टी है जो इस तरह के फेलियर को रजिस्ट करती है, उनको बोलते हैं हम शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस हो गया कि जो रिलेटिव पोर्शन है वो दूसरे पोर्शन के सापेक्ष गति कर रहा है, वहाँ से दूर हट रहा है या टूट रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब शियर स्ट्रेंथ उस शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करने की कैपेसिटी को कहते हैं। अब जो शियर स्ट्रेस है, यदि सोइल मास की शियर स्ट्रेंथ से एक्सीड कर जाए, ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? फेलियर होगा और वो शियर फेलियर होगा। ठीक है, अब जो इस शियर फेलियर से क्या होगा, सोइल मास के एक पोर्शन का मूवमेंट होगा, वो मूव करेगा। अब जो शियर स्ट्रेंथ है वो सोइल मास में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो बियरिंग कैपेसिटी, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स, अर्थ प्रेशर, रिटेनिंग स्ट्रेस, रिटेनिंग स्ट्रक्चर, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए शियर स्ट्रेंथ बहुत आवश्यक है। अब जो शियर स्ट्रेंथ ऑफ सोइल है वो डिफरेंट टाइप के सोइल के लिए अलग अलग होती है और अलग अलग बिंदुओं पर निर्भर करती है। जैसे हमारे पास क्या है, दो टाइप के सोइल हम जनरली पढ़ते हैं, फाइन ग्रेन सोइल और कोर्स ग्रेन सोइल। ठीक है, अब जो सोइल है, अब फाइन ग्रेन की यदि मैं बात करता हूँ तो फाइन ग्रेन सोइल में कौन कौन सी सोइल आ जाती है? फाइन ग्रेन में कौन कौन सी आ जाती है? क्ले और सिल्ट। इसी प्रकार से कोर्स ग्रेन में कौन सी आ जाएगी? ग्रेवल और सेंड। ठीक है, ग्रेवल और सेंड है वो कोर्स ग्रेन सोइल में आती। अब ये सोइल अलग अलग तरीके से जो शियर स्ट्रेंथ है उसको शो करती है। देखो, किसी भी सोइल में हम देखते हैं जो शियर स्ट्रेंथ होता है वो तीन प्रकार से होता है। पहला होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, सोइल के पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में इंटरलॉकिंग हो पार्टिकल्स में, तो पहला है इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स। सोइल्स के जो पार्टिकल हैं उनमें जो इंटरलॉकिंग होती है, आपस में जो बॉन्ड बनता है इंटरलॉकिंग से, उसके कारण इसमें जो शियर स्ट्रेंथ वो जनरेट होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, यह है इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, दूसरी शियर स्ट्रेंथ किससे आती है? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस।
फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मतलब जो आपसी घर्षण के कारण जब दो लेयर एक दूसरे पर फिसलती है, जैसे ये लेयर है इसके सापेक्ष फिसल रही है, तो इनके बीच में जो यदि फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, तो ये इसकी गति का अपोज करेगा, इसका विरोध करेगा। तो ये जो अपोज करने की जो प्रॉपर्टी गुण है वो क्या होगा, एक शियर स्ट्रेंथ को उत्पन्न करेगा। तो वो किस कैटेगरी में आता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की कैटेगरी में आता है। तीसरा क्या है, इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स से क्या मतलब है कि दो प्रकार के अणुओं के मध्य आपसी जो अट्रैक्शन होता है उसको बोलते हैं इंट्रा मोलिकुलर फोर्स। जैसे हम पढ़ते हैं कोएजन, एडेशन, यानी ससंजक बल और आसंजक बल जो हम पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रा मोलिकुलर फोर्स। कोएजन मीन्स दो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो अट्रैक्शन होता है उसको कोएजन बोलते हैं, यानी ससंजक बोलते हैं। और जो अलग अलग टाइप के अणुओं के मध्य जो बॉन्ड बनता है या फिर अट्रैक्शन होता है उसको एडेशन आसंजक हम बोलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि तीन प्रकार से जो ये सोइल है, सॉरी, तीन प्रकार से जो शियर स्ट्रेंथ है वो जनरेट हो रही है, इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। ये टाइप्स ऑफ सोइल में किस प्रकार से होती है, जैसे मैं क्ले की बात करूं तो क्ले में इंटरलॉकिंग से होगी या फ्रिक्शनल से होगी, इसी प्रकार ग्रेवल में किस तरह से होगी शियर स्ट्रेंथ, इसी प्रकार सिल्ट में कैसे होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोट्स ग्रेन सोइल में किस किस वजह से अपने ये स्ट्रेंथ होती है, कोट्स ग्रेन सोइल। कोर्स ग्रेन जो सोइल है उसमें दो प्रकार की सोइल आती है, एक तो सेंड आता है और एक आता है ग्रेवल। अब पहला क्या है, इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स। अब हम जानते हैं कि जो कोर्स ग्रेन सोइल है उनकी शेप है वो इररेगुलर होती है, मतलब एक समान नहीं होती, उबड़ खाबड़ टाइप होती है, इररेगुलर होती है। तो जैसे मान लो कोई इस तरह की शेप है, ठीक है, या कोई इस तरह की शेप है, तो ये क्या होगा, इन दो पार्टिकल्स के बीच में इंटरलॉक हो सकता है। इंटरलॉक का मतलब ये आपस में जुड़ सकते हैं। तो इन दोनों पार्टिकल्स के जो आपस में जुड़ने के कारण, लॉक होने के कारण जो स्ट्रेंथ आएगी वो कौन सी स्ट्रेंथ आएगी, शियर स्ट्रेंथ आएगी, और वो होगी इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरलॉकिंग है उनके कारण से स्ट्रेंथ आएगी। जो अपना जो पहला बिंदु था इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स, इसके कारण सेंड एंड ग्रेवल में क्या आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। तो एक तो पहले पॉइंट के कारण आ रही है, पहला पॉइंट का मतलब इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स के कारण इसमें स्ट्रेंथ आ रही है। दूसरा क्या है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मतलब जब दो परत आपस में खिसकेगी, या फिर सॉरी, एक परत के सापेक्ष दूसरा परत, दूसरा जो पोर्शन है वो खिसकेगा आपस में, तो क्या होगा, ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यहाँ पर जनरेट होगा। क्योंकि यहाँ का जो सरफेस है वो क्या होता है, रफ होता है। रफ होने के कारण क्या होगा, ग्रेवल सेंड में वहां पर ये फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप होगा, जिसके कारण शियर स्ट्रेंथ इसमें डेवलप होगी। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण भी ये क्या होता है, इसमें शियर स्ट्रेंथ आती है। तो दूसरे वाले पार्ट के कारण भी इसमें शियर स्ट्रेंथ आ रही है। तो सेंड और ग्रेवल में इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स के कारण आ रही है और फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण आ रही है। तीसरा है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के कारण सेंड और ग्रेवल में होगी या नहीं। देखिए, सेंड और ग्रेवल में क्या है कि आपस में कोइजन नहीं होता है, ठीक है। कोइजन का मतलब इनके जो पार्टिकल्स हैं खुद के वो आपस में जुड़े हुए नहीं रहते। कैसे, जैसे मान लो अगर हम इसको गिराएंगे तेज पटकेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। और जो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन है यानी जो कोइजन फोर्स है वो इनके बीच में नहीं लगता है। कारण यह है कि ये बिल्कुल
बड़े पार्टिकल्स होते हैं इसमें, छोटे पार्टिकल्स नहीं हैं, फाइन ग्रेन में वो हो सकता है, लेकिन ये क्या बड़े पार्टिकल्स हैं इसलिए इनमें इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। तो क्वार्ट्ज ग्रेनाइट में केवल दो ही टाइप से शियर स्ट्रेंथ जनरेट होती है, पहला इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स, दूसरा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट है उनके कारण ही इनमें शियर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। अब हम बात कर लेते हैं फाइन ग्रेन सॉइल के लिए, तो दूसरा मैं देखता हूँ फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सिल्ट को ले रहा हूँ, ठीक है। अब सिल्ट के अंदर हम देखते हैं कि जो शियर स्ट्रेंथ है वो कैसे जनरेट होती है, ठीक है, कैसे किस कारण से होती है, इंटरलॉकिंग बिटवीन पार्टिकल्स। देखिए जो सिल्ट है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो रफ नहीं होते या फिर इरेगुलर पार्टिकल्स नहीं होते, तो इसलिए इनमें क्या होगा इंटरलॉकिंग पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं एक बात करूं क्यूब टाइप क्यूबिक होंगे मान लो कोई पार्टिकल, तो उनमें इंटरलॉकिंग नहीं होगी। तो इसी प्रकार से जो सिल्ट है इसके पार्टिकल इरेगुलर नहीं है इसलिए इनके बीच में इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती, तो इंटरलॉकिंग के कारण इनमें शियर स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हो पाती। तो सिल्ट के अंदर इंटरलॉकिंग के कारण नहीं हो पाती। इसी प्रकार फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, देखो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या है कि जो इसकी सरफेस है वो क्या है रिलेटिव जो मोशन हो रहा है उसका क्या कर रही है अपोज कर रही है, तो ऐसी प्रॉपर्टी सिल्ट में होती है। तो सिल्ट में क्या होगा कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण शियर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। तो पॉइंट नंबर टू जो मैंने अभी आपको बताया फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस उसके कारण यहाँ शियर स्ट्रेंथ डेवलप होगी। पॉइंट नंबर टू मतलब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण इसमें शियर स्ट्रेंथ डेवलप होगी, इंटरलॉकिंग के कारण नहीं थी, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण है। और तीसरा है इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन। अब सिल्ट के पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहते हैं तो इनके मध्य क्या है कोहिजन फोर्स काम करता है, तो इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में काम करता है। तो जो शियर स्ट्रेंथ है वो इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण इनमें होती है। तो पॉइंट नंबर एक तो दो के कारण हो गई और एक पॉइंट नंबर तीन के कारण इनमें शियर स्ट्रेंथ हो गई, तो मतलब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के कारण हो गई और इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण। यह है सिल्ट के लिए। अब मैं क्ले की बात करता हूँ, क्ले के लिए क्या हो जाएगा कि क्ले में इंटरलॉकिंग बिल्कुल नहीं होती है, इसके अलावा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी बिल्कुल नहीं होता। एक चिकनी सोइल टाइप होती है तो इसमें फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो पाता है। लास्ट है इंट्रा मोलिकुलर, मतलब फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के कारण इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। तीसरा है इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण इसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, यानी इसमें कोइजिव बॉन्ड होता है जिससे कोइजन के कारण इनमें स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। तो इंट्रा मोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स है मतलब पॉइंट नंबर तीन के कारण जो क्ले सॉइल है उसमें क्या होती है शियर स्ट्रेंथ डेवलप होती है, ठीक है। अब जो कोइजिव सॉइल है उसको हम सी सॉइल बोलते हैं और जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उसको फाई सॉइल बोलते हैं। जैसे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है उसको फाई सॉइल बोल दिया, ठीक है। और जो कोइजन है मतलब सी सॉइल ठीक है, मतलब इसमें कोइजन फोर्स है, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं सेंड और ग्रेवल की, सेंड और ग्रेवल में क्या होता है इंटरलॉकिंग होती है, ठीक है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है इसका मतलब क्या हो जाएगा जो ग्रेवल और सेंड है वो क्या हो जाएगी फ्रिक्शनल सोइल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्रेवल और सेंड है वो क्या हो जाएगी फ्रिक्शनल सोइल, ठीक है। ग्रेवल और सेंड जो है वो फ्रिक्शनल सोइल हो जाएगी। और इनके अंदर देखिए आप ये तीसरा इंट्रा मोलिकुलर फोर्स यानी कोहेजन और एडिशन नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगी सेंड और ग्रेवल क्या हो जाएगी कोहेजन लेस सोइल, ठीक है। इसमें कोहेजन नहीं होता तो ये कोहेजन लेस सोइल हो जाएगी। इसी प्रकार से ये सेंड और ग्रेवल की बात हो गई। अब मैं बात करूं सिल्ट की, सिल्ट के कारण स्ट्रेंथ होती है पॉइंट नंबर टू और थ्री मतलब फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और इंट्रा मोलिकुलर अट्रैक्शन के कारण। तो इसमें फ्रिक्शनल जो रेजिस्टेंस है ठीक है तो ये फ्रिक्शनल सॉइल हो गई, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या हो गई इसमें
इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स हो गया, मतलब सी सोइल भी है और फाई सोइल भी है। तो सी फाई सोइल जो मैं किसको बोलूंगा, सिल्टी सोइल को, क्योंकि सी का मतलब क्या है यहाँ पर, कोहेजन है इसमें, फाई मतलब फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है, तो सी फाइल सोइल में किसको बोल दूंगा, सिल्ट को। ठीक है, इसी प्रकार से मैं क्ले की बात कर रहा हूँ, क्ले के अंदर क्या होता है, केवल इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये कौन सी सॉइल हो जाएगी, क्ले, फ्रिक्शनलेस सॉइल, फ्रिक्शनलेस सॉइल। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि एक ही होता है केवल, क्योंकि कोइजन और ये जो फ्रिक्शनलेस है ये दोनों साथ साथ नहीं, तो ये क्या है, फ्रिक्शनल लेस सॉइल है, इसके अंदर फ्रिक्शन नहीं होता, मतलब फ्रिक्शन के कारण जो सीयर स्ट्रेंथ है वो नहीं आ पाती, केवल कोइजन के कारण ही आ पाती है, तो इसको हम सी सोइल भी बोल सकते हैं, कोइजिव सोइल भी बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।